हेलो दोस्तों, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला T20 वर्ल्ड कप, उसमें बारिश का साया है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं बैकग्राउंड से बारिश होने की संभावना है दोस्तों। तो 23 अक्टूबर को संडे के दिन ये इंडिया पाकिस्तान के बीच T20 खेला जाएगा, उसमें बारिश होने की संभावना बढ़ गई दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। संडे के दिन वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 13 मुकाबले हुए दोस्तों, उसमें से इंडिया ने 13 में से 12 मुकाबले जीते हैं दोस्तों, यानी कि 7 वनडे हुआ, 7 में 7 इंडिया ने वनडे जीते हैं। जबकि T20 जो 6 T20 हुआ है दोस्तों, उसमें 6 में से इंडिया ने 5 जीते हैं और 1 पाकिस्तान ने जीता है। इस तरह से टोटल मुकाबले देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के बीच T20 और वनडे मिलाकर 13 मुकाबले हुए दोस्तों। तो ये 23 अक्टूबर को होने वाला T20 जो है वो 23 अक्टूबर को होगा ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप। तो उसमें बारिश का छाया है दोस्तों, बारिश होने की संभावना बढ़ गई दोस्तों। इस तरह से ICC का नया नियम आया है, हो सकता है ये मैच रद्द हो या फिर ये मैच 5-5 ओवर का हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ओवर कम से कम 5-5 ओवर का जरूर हो दोस्तों, क्योंकि बारिश होने की संभावना बढ़ गई दोस्तों। इस तरह से ICC का नया नियम आया है कि अगर मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों के 1 पॉइंट मिल जाएंगे, या फिर छोटे ओवर का किया जाएगा, यानी 5-5 ओवर का किया जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में दोस्तों कि ICC T20 जो होगा 5-5 ओवर का होगा। तो देखने को बहुत रोमांच मिलेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच होगा दोस्तों। मैच रद्द होने की कंडीशन में कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया दोस्तों, इसलिए मैच अगर रद्द होता है बारिश के कारण तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेंगे। अगर छोटे फॉर्मेट का 5-5 ओवर का होता है तो देखने को काफ़ी रोमांचक होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच, ये 23 अक्टूबर को होने वाला दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं बारिश ना हो, लेकिन उम्मीद बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी करीब करीब 80% के आसपास है और एयर का जो फ्लो, एयर का जो स्पीड है वो करीब करीब 25 किलोमीटर बराबर से चलेगी उस दिन संडे को दिन। तो इस तरह से उम्मीद करते दोनों फैंस निराश हो सकते हैं दोस्तों मैच रद्द होने के कंडीशन में। उम्मीद करते हैं कम से कम 5-5 ओवर का मैच हो, ताकि दोनों देश के बीच में खेला हो और मज़ा आए, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच होगा दोस्तों। और लास्ट में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।